सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज हमारे सामने खड़ी है रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा, ठीक है। तो मेरा कोई रिलेटिव है, वो ये गाड़ी सेल करना चाह रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें पांच या छह चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो कि आपको देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी गाड़ी सेकेंड हैंड बाय करने से पहले, ठीक है। वन बाय वन करके सारी चीज़ों की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो भाई जैसे मैं लेने जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए ये गाड़ी, ठीक है, और मैं मेरे को इस गाड़ी को ओन करना है, ठीक है। तो मैं क्या चीज़ें चेक करूँगा इसके अंदर, तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात अपन आ जाते हैं इसके इंजन पे, ठीक है। अभी ये इंजन गर्म है इसका, क्योंकि मैं इसको चला के लेके आया हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, जिससे भी आप गाड़ी बाय कर रहे हो उसको बोल देना कि आप इसको स्टार्ट ना करें, सुबह उसके पास मॉर्निंग में जाना, ट्राई करना मॉर्निंग में जाने की, या उसको बोल देना भाई मैं आऊँ जब भी गाड़ी स्टार्ट करना, उससे पहले गाड़ी स्टार्ट करके मत रखना, कोल्ड स्टार्ट गाड़ी को मैं ही दूंगा, ठीक है। कोल्ड स्टार्ट से क्या होता है भाई, गाड़ी की जितनी भी नॉइज़ है ना इंजन की, वो सारी खुल के बाहर आती है एकदम, ठीक है। अब गाड़ी का अगर इंजन गर्म हो जाएगा ना, तो वो नॉइज़ जो हल्की फुल्की रहती है वो दब जाती है, ठीक है। अभी तो ये गाड़ी गर्म हो रही है, इसलिए थोड़ी बहुत ही नॉइज़ हल्की फुल्की आएगी। वैसे तो इसमें कोई इंजन की है नहीं कुछ दिक्कत, बेस्ट है एकदम, क्योंकि गाड़ी देखो भाई चली हुई 30 जा रही है, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करके बताता हूँ आपको कैसे चेक करना है इंजन। ये कर दिया अपन ने स्टार्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, ये है ना पैड लगाना है इसके पीछे, ये देखो, तो भाई अभी हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है। अभी इसके इंजन ये सुनो भाई, गाड़ी का इंजन एकदम साइलेंट है, ठीक है। कोल्ड स्टार्ट में आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर गाड़ी में हल्की सी भी टिक 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 कुछ भी अजीब सी भी आवाज़ आ रही हो ना टैपेट में, हेड में से, तो आपको वो गाड़ी अवॉइड करनी है लेने से पहले, या फिर उसके पैसे थोड़े कम कर देने, क्योंकि भाई इसमें कुछ ना कुछ उन्होंने करवाया हेड में, ओके। मतलब खुली हुई है गाड़ी ऊपर से या नीचे से, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है इंजन के अंदर, तभी उन्होंने खुलवाई थी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये चीज़ है ना जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको चार से पांच बार आप करोगे बंद चल्लू करके गाड़ी कोल्ड स्टार्ट के अंदर, ठीक है। अभी बात करते हैं भाई दूसरी चीज़ की। अब ये इंजन चेक हो गया अपना, ठीक है। अपन ने पैर रख के या ऐसे हाथ लगा के इस पर अपन ने चेक कर लिया कि भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो भाई एक चीज़ अपन को अब और क्या चेक करनी है, वो करना है कि भाई इसके ओवरऑल इंस्पेक्शन इंजन का। अब देखो भाई इसके अंदर ना आपको कहीं पे भी मिट्टी दिख रही है क्या, या ऑयल दिख रहा है क्या लीक हुआ हुआ, ठीक है। देख लिया कंप्लीट नहीं है भाई कहीं पे भी, मतलब इंजन ओके है इसका, ठीक है। ये देखो इधर से भी आ जाओ। अब 2014 का मॉडल ही है, तो शक करने वाली बात है कि यार 30,000 किलोमीटर चली हुई है अभी तक, है ना, थोड़ा शक हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन कई जेन्युइन भी रखते हैं भाई गाड़ी की जो चलाते ही नहीं है, तो नीचे से भी आपको है ना इंजन को देखना है, देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब क्लीन पड़ा है एकदम, मतलब गाड़ी का इंजन आज तक खुला नहीं है, एकदम सही है गाड़ी का इंजन, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, दो चीज़ें मैंने बता दी, एक तो आप पीछे हाथ रख के या पैर रख के आइडियल कंडीशन में चेक करो गाड़ी में कोई आवाज़ तो नहीं आ रही ना, उस टाइम पर रेस मत देना बिल्कुल भी। एक अपन ने चेक कर लिया कि भाई इसमें से कोई भी ऑयल सील या कुछ तो नहीं कटी हुई है ना। अब देखो भाई इस गाड़ी का ना, सच बताऊँ ना आपको, तो एक बार एक्सीडेंट हुआ हो, वो मेरे रिलेटिव थे तो उन्हीं का ही एक्सीडेंट हुआ था इस गाड़ी से, ठीक है। तो इसके अंदर देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अब ये चेचिस दिख रहे हो आप, चेचिस है ना, चेचिस को इंस्पेक्ट करना है अपन को कि भाई ये सही है या गलत है। तो ये देखो भाई यहाँ पे बेल्ट हो रहा है एक, दिख रहा है आपको, तो भाई इसका मतलब है गाड़ी ठुकी हुई है कभी ना कभी, तो इसका मतलब ये है भाई, समझ गए आप। तो आपको चेचिस देखना है कि यार कहीं ना कहीं से बेल्ट तो नहीं हो रखा, ठीक है। देखता हूँ, देखो तो चेचिस अपन ने उधर से देख लिया, बेल्ट हो रखा है, ठीक है। और कंपनी की वेल्डिंग कैसे पता करोगे, आपकी कंपनी की वेल्डिंग है, देखो भाई ये कंपनी की वेल्डिंग है, मोटी मोटी जो वेल्डिंग होती है ना कंपनी की वेल्डिंग है। और बाहर वाली वेल्डिंग आपको मैं दिखाता हूँ कैसी होती है, देखो ये बाहर वाली, यहाँ पे क्रैक हुआ था जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये देखो भाई इन्होंने वेल्ड करवा रखी है। तो ये चेंजेस का ध्यान रखना, इसके यहाँ तो अपन को पैसे कम करने हैं या इसको अवॉइड करनी है खरीदने से, क्योंकि समझ रहे हो ना आप यार क्रैक के चेंजेस में कितनी बड़ी बात है, चेंजेस पे तो पूरी गाड़ी टिकी हुई है, समझ रहे हो। तीन चीज़ें ये हो गई, ठीक है। अभी चौथी चीज़ की बात करता हूँ मैं कि इसका आपको किलोमीटर देखना है, कितने किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, किलोमीटर देख लिया 30,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। अब आना है अपन को पीछे के टायर पे, पीछे के टायर में अभी इसके 50-40% माल बाकी है, ठीक है। तो इसका मतलब गाड़ी अभी नहीं है भाई, ठीक है, गाड़ी नहीं है, मतलब इन द सेंस कि गाड़ी भाई कम फैक्ट चली हुई है, वो सही चली हुई है एकदम, 30,206 करके कुछ आ रहा है, तो मतलब एकदम सही गाड़ी चली हुई है। अपन को टायर का इंस्पेक्शन करना है पीछे का, तो अगर वो देखो भाई नया टायर लगवा रखा है ना उसने, है ना, नया का नया एकदम दिख रहा है आपको, और गाड़ी 30,000 चली हुई है, तो भाई समझ जाना कि भाई उसने मीटर रीबैक करवा रखा है, एक बात बता दूँ आपको, ठीक है। गाड़ी अवॉइड करना लेने से या उसके पैसे कम करवा देना, ठीक है। तो भाई ये देखो इन्होंने कंपनी का ही टायर इनकी है, ठीक है, जो कंपनी से दिया थी निकली थी ना गाड़ी उसी का ही टायर ही है, ठीक है।
ये सीएट का, ये देखो उस टाइम पर सीएट का एक टायर था उनके पास, और मैंने उनसे पूछा भी था, और मेरे को भी यही लग रहा है क्योंकि 30,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी और इसमें माल बिल्कुल भी बचा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इनका कंपनी का फिटेड टायर ही है, इसमें 30% 50% माल बचा हुआ है बस, अभी कुछ टाइम पर चेंज करवाना पड़ेगा इनको, ठीक है। इसमें माल नहीं है बिल्कुल भी, दरारें चल रही है साइडों में देखो, है ना, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती थी, समझ गए। तो ये देखो भाई, ये चीज़ है कि आपको चेक करना है, और इनकी लाइफ है ना 15,000 से 20,000 किलोमीटर ही रहती है। अगर इसमें नया लगा हुआ है, ठीक है, और गाड़ी सिर्फ 10-15,000, 20,000, 25,000 चली हुई है, और टायर पीछे का नया, तो समझ जाना भाई कि इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, या कोई ना कोई इन्होंने टायर चेंज करवाने में कुछ करवा रखा है, या फिर इन्होंने मीटर रीबैक करवा रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ हो गई, अब आगे का टायर देखते हैं, आगे का टायर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, आपको क्या करना है, ये चाबी निकाल ली है, ठीक है, चाबी निकाल ली मैंने, अब इसकी रस्टिंग हो रही है भाई कई जगह, और रस्टिंग बुलेट में जहाँ तक पता है कहाँ से होती है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये चाबी लग जाए एक बार, इधर का तो खुल नहीं रहा, एक बार दिखाता हूँ आपको, देखो। तो भाई ये देखो भाई, ठीक है, इन मेटल बॉक्सों में ना रस्टिंग हो जाती है, तो इससे क्या है, रस्टिंग लगते लगते पूरे चेजेस पे लगती है, पूरी आगे पीछे बॉडी रस्टिंग होने लग जाती है, काफ़ी टाइम से खड़ी थी ना गाड़ी, रस्टिंग हो रही है इसमें। तो ये बॉक्स भी आपको खोल के चेक करना है कि भाई इसमें रस्टिंग तो नहीं हो रही ना, ठीक है। अगर रस्टिंग हो रही है तो उसके पैसे कम करवाने, या आप समझ जाओ, ठीक है, उसको अवॉइड करना है लेने से। तो भाई मैंने कितने रीज़न बताया आपको, ये सब रीज़न है आपको जो कि चेक करने हैं जाके, ठीक है। और गाड़ी के कागज़ वागज़ पूरे होने चाहिए, ये सब तो यार आपको नॉर्मल नॉलेज सबको ही रहती है कि गाड़ी के कागज़ आरसी होनी चाहिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। और बाकी भाई ये देखो, है ना, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, क्या क्या इंस्पेक्शन करोगे आप जाके, आपको जब भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी होगी। तो ये इलेक्ट्रा है, सेम एज इट इज़ है ना, आपको क्लासिक स्टैंडर्ड सबका ऐसे ही चेक करना है, सबका सेम इंजन है, सबका सब कुछ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, बस इतना सा चीज़ है। बाकी माइलेज वाइलेज मेंटेनेंस का मत सोचने इतना, बस भाई इसमें थोड़ा एवरेज इसका कम है, माइलेज थोड़ा कम है, ठीक है, बाकी वो भी ठीक ठाक है। अगर आप नॉर्मल कॉलेज से घर आओगे या फिर ऑफिस से घर आओगे तो इतना कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मेंटेन कर सकते हो, पाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सेकेंड हैंड के लिए चल जाना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो भाई है थोड़ा मेंटेनेंस भारी है, नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ा मेंटेनेंस भी भारी है, माइलेज भी कम है, है ना, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा देख के लेनी पड़ेगी। बाकी भाई मैंने 5-6 चीज़ें बता दी आपको जो कि आपको चेक करनी है, ठीक है। तो अगर वीडियो में कोई ऊंच नीच हो गई हो तो भाई कमेंट में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा आपको, और आप मेरे से पूछ भी सकते हो कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। आपको इसकी और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके देख लेना, मैंने और भी वीडियो डाल रखी है।